हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं अर्शप्रीत रोहिल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप प्लेन ब्लैक सॉलिड कुर्ते को विंटर्स में कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपके पास एक ब्लैक और व्हाइट प्लेन कुर्ता तो ज़रूर होना चाहिए। आप उसे कैसे भी कैरी कर सकते हैं समर्स और विंटर्स दोनों सीजन में। और ये कुर्ता मैंने मिंत्रा से लिया था। इसकी वीडियो मैंने शेयर की थी पहले, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। इस वीडियो में मैंने इसे दो जैकेट्स के साथ स्टाइल किया है। फर्स्ट है ये ब्राउन कलर की एथनिक जैकेट और बॉटम में मैंने पहनी है ब्राउन कलर की जैगिंग जो कि सेम कलर में है। मेरे पास ब्राउन कलर के पैंट भी है बट वो फेस्टिवल लुक उसे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ अपने लुक को कैजुअल रखा है तो इसलिए मैंने वो गोल्डन कलर की पैंट नहीं पहनी। मैंने जैगिंग कैरी की है और इसके साथ मैंने पहने हैं ब्लैक कलर के इयररिंग्स जो मैंने एसएन मार्केट से लिए थे, और गोल्डन कलर की वॉच, ब्लैक रिंग और थ्रेड वर्क की बैंगल्स। और फुटवियर्स में मैंने पहने हैं यहाँ फर्स्ट लुक में बीच कलर के लॉफर्स और सेकंड लुक में बीच कलर की ब्लॉक हील्स। इसी लुक को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया और दुपट्टे के साथ कैरी किया क्योंकि मैं यहाँ तो विदाउट दुपट्टा नहीं पहन सकती कुर्ते को, तो इसलिए मैंने जैकेट एंड दुपट्टा दोनों लेकर देखे कि ये कैसा लगेगा लुक। और ये दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, कलर इसका बिल्कुल मैच हो रहा था और इसमें कलमकारी प्रिंट बना हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो सिर्फ जैकेट के साथ ही पहन सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ दुपट्टा लेना ज़रूरी होता है तो इसलिए मुझे दोनों ही चीज़ कैरी करनी पड़ेगी। और अगर आप समर्स में पहनते हैं तो सिर्फ दुपट्टा ही अच्छा लगेगा। और ये दुपट्टा मैंने अलग से परचेज नहीं किया है, मैंने एक पूरा कुर्ता सेट लिया था उसी के साथ आया था ये। अब मैंने यहाँ दुपट्टे को कन्वर्ट कर दिया एक स्टॉल में क्योंकि विंटर्स में स्टॉल भी अच्छा लगता है, और ये भी मुझे सेम कलर का मिल गया। ये मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था लोकल मार्केट से। इसमें आपको काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं सेकंड लुक पर। यहाँ मैंने इसी कुर्ते के साथ पहनी है एक डेनिम जैकेट जो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ की थी अपनी लोकल मार्केट से। और डेनिम जैकेट ऐसी होती है जिसे आप जीन्स, कुर्ता, सूट किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रफ टफ दिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली डेनिम जैकेट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एथनिक वियर चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाली एथनिक जैकेट को ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और इस लुक के साथ मैंने पहने हैं मिरर वाले सिल्वर इयररिंग्स क्योंकि ब्लैक कलर के साथ हमेशा सिल्वर ज्वेलरी ही अच्छी लगती है। और बॉटम में मैंने पहनी है ब्लैक कलर की जैगिंग। और यहाँ डेनिम के साथ आप वाइट शूज़ भी पहन सकते हैं। आप समर्स में भी इस कुर्ते को अलग अलग दुपट्टास के साथ स्टाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, मैंने यहाँ ब्राउन कलर को इसलिए प्रेफरेंस दी है क्योंकि इस कुर्ते में ब्राउन कलर के बटन हैं और क्वार्टर स्लीव्स है उसमें भी ब्राउन बटन है, और दूसरा ब्राउन कलर ब्लैक के साथ काफ़ी अच्छा लगता है विंटर्स में, और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है समर्स में भी और विंटर्स में भी। तो आज इस वीडियो में आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।